कि इसमें ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सिस्टम्स हैं, जिस तरह ये डेल का है ज़ियोन प्रोसेसर के साथ है, इसमें ये प्रोसेसर लगा हुआ है, 8 GB रैम है और इसमें 1 GB का मेरे ख्याल से ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, पहले तो अपना नाम और अपनी शॉप का नाम हमारे व्यूवर्स को बता दें। जी, हमारी शॉप का नाम ई विजन कंप्यूटर्स है और हमारी शॉप है अल हफीज़ शॉपिंग मॉल में। हमारा बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सर्वर्स का काम है, जिसके बेसिकली हम इसी में डील करते हैं, ग्राफिक्स के सिस्टम्स और सर्वर्स के जो काम है उसमें। इस वीडियो को लाइक करें, जैन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बखबर रह सकें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपके पास कौन कौन से कंप्यूटर हैं, किस किस कंपनी के हैं, आप काम करते हैं तो किस किस पावर के हैं? ये बेसिकली डेल, HP और लिनोवो वगैरह डिफरेंट ब्रांडेड कंपनीज जो हैं बायर में आती हैं, जो वो कंपनीज के सिस्टम हैं और इसमें मुख्तलिफ डिटेल्स और स्पेक्स होती हैं, जिसमें आई सीरीज भी आ जाती है और वर्क स्टेशन और डिज़ाइनिंग के लिए ज़ियोन कैटेगरी होती है, तो वो सारे मौजूद हैं, जो फिर जिस तरह क्लाइंट को ज़रूरत होती है हम उसको उस तरीके का तैयार कर देते हैं। तो आप ग्राफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो इसमें मुख्तलिफ कार्ड इस्तेमाल होते हैं, जिसमें काफ़ी NVIDIA के कार्ड इस्तेमाल होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो सब अवेलेबल है हमारे पास, तो वो मिल जाएंगे आपको। अच्छा सर, मुझे ये बताएं जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, मतलब तरह तरह की करते हैं, तो उनको किस तरह का कंप्यूटर उनको काम देता है? जी, वीडियो एडिटिंग के लिए ना बेसिकली हमने देखना होता है आपकी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसके मुतलका ग्राफिक कार्ड देख के जो उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं वही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कुछ लोग EDS सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, वो ATI के कार्ड जो हैं उसमें बहुत अच्छे सुपीरियर चलते हैं, और कुछ अडोब प्रीमियर आफ्टर इफ़ेक्ट्स के काम करते हैं, उसमें NVIDIA के जो कार्ड हैं वो ज़्यादा अच्छे चलते हैं। तो इसलिए ये क्लाइंट से पूछना पड़ता है कि आप जो है वो किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, जिसके मुतलका हम बिल्कुल वही चीज़ दें ताकि आपको उसमें परेशानी ना पेश आए, तो ये पूछ के उसके हिसाब से रेडी किया जाता है, उसमें ये डिफरेंस होता है। अच्छा, जो कंप्यूटर अच्छी एडिटिंग के लिए, मतलब कि अच्छी एडिटिंग कर सके, कम से कम उसकी रेंज कितनी हो जाती है? ये आप अगर एडिटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें 2 से 3 तरह के होते हैं। एक नॉर्मल जिन्होंने वीडियो एडिटिंग का काम करना होता है, एक होते हैं प्रोफेशनली जो 3D डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। जो नॉर्मल होता है वो 40 से 50,000 तक का बन जाता है और जो प्रोफेशनल होते हैं वो 1 लाख प्लस चले जाते हैं। वो अपना सामान और चीज़ें जब उसमें ऐड की जाती हैं तब उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, जिस तरह के अभी चीज़ों की कीमतें ऊपर चली गई हैं वैसे, तो फिर जो करंट प्राइस चल रही होती है उस हिसाब से देखते हुए वो ऐड की जाती हैं, तो वो फिर प्राइस बढ़ जाती है। इस ये इनकी प्राइजेस हैं नॉर्मल की, जो मैंने आपको हमारे व्यूवर्स को कुछ सैंपल दिखाएं नज़र आप। जी बिल्कुल, ये आपके सामने ये कुछ सिस्टम्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारे डेल के सिस्टम्स पड़े हुए हैं, इसके बाद HP में भी पड़े हुए हैं, ऊपर लिनोवो में भी पड़े हुए हैं। तो ये जी विकास बताएं ज़रा। जी, इसमें ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सिस्टम्स हैं, जिस तरह ये डेल का है ज़ियोन प्रोसेसर के साथ है, इसमें ये प्रोसेसर लगा हुआ है, 8 GB रैम है और इसमें 1 GB का मेरे ख्याल से ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है, तो ये राउंड अबाउट कोई 40 या 38,000 तक का बन जाता है, जो आप पूछ रहे थे एक नॉर्मल मिड रेंज में। इसके अलावा अगर आप इससे हैवी सिस्टम्स बनवाते हैं तो वो फिर दूसरे मॉडल्स हैं, वो यहाँ पे वो भी मुख्तलिफ नीचे लगे हुए हैं। इसके अलावा HP में भी हैं, तो ये आपके सामने आई सीरीज के भी कुछ पड़े हुए हैं, इसमें दोनों कैटेगरीज पड़ी हुई हैं, तो फिर जो आपकी मतलब करंट रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम वो लगा देते हैं, उसमें जो कार्ड्स और जो चीज़ें ज़रूरत होती है उस हिसाब से ऐड होती हैं, तो ये सिस्टम्स जो हैं वो हम सेल करते हैं। अच्छा, इसमें डेल या HP या लेनोवो, इनमें से ज़्यादा कौन सा अच्छा है? जी, वैसे यूज़र का जो फीडबैक है वो डेल में ज़्यादा हमें अच्छा मिला है, जिसका पार्ट्स और जिसकी मतलब परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है और उसमें किसी किस्म का मतलब ज़्यादा फॉल्ट और इशू नहीं आता। यहाँ पे अक्सर पावर सप्लाई का इश्यूज़ आ जाते हैं, कुछ हैंग वगैरह के इशू आ जाते हैं, पर डेल में ये कंप्लेन इतनी नहीं है, इस वजह से जो है वो डेल जो है वो प्रेफरेबल है, मतलब क्लाइंट के एंड से के वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो डेल बेस्ट है हमारी नज़र में। बाकी HP भी होते हैं, कुछ लोग अपना पसंद की बात होती है कि कोई HP रखना ज़्यादा मतलब उनको कहते हैं कि यही हमने चलाना है HP वाला, तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, वो शुरू से यूज़ ही वो यही कर रहे हैं, तो फिर HP भी वो लेते हैं, पर ज़्यादातर डेल की प्रेफरेंस है जो क्लाइंट। तो सर, मुझे ये बताएं कि लोग बहुत दूर से कंप्यूटर लेने आते हैं, अगर उसमें कोई मसला आ जाता है तो फिर?
जी अगर उसमें मसला आ जाता है तो हम उसको पूरा कोऑपरेट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि जो इशू आया है वो किस वजह से आया है, उसको देख के उनको फिर रिजॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आफ्टर सेल्स की सर्विस होती है मैं समझता हूँ असल में वही एक दुकानदारी है, जो आप एक यूज़र के साथ अच्छा अपना आपका एक रिलेशन बन जाता है कि आप उसको आफ्टर सेल उस चीज़ को देखें तो वो बहुत अच्छी बात होती है। और हमने कभी भी किसी को रिजेक्ट नहीं किया कि आप एक चीज़ ले जाने के बाद दोबारा आए हैं कि इसमें फॉल्ट आ गया तो कोई बात नहीं, अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गया तो हम देख लेते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दें तो ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जो आफ्टर सेल है वो सबसे हमारी नज़र में प्रेफरेंस फर्स्ट है कि आपको अगर कोई फॉल्ट आता है तो हमें उसको देखना चाहिए। ये अच्छा सर मुझे ये बताएं, लोगों को कंप्यूटर ख़रीदने के लिए हारोड जाना चाहिए या फीस सेंटर आना चाहिए? देखिए जगह दोनों ही ठीक हैं, पर सबसे बेहतर ये चीज़ होती है कि आपको जो इजी जहाँ से सही चीज़ मिल रही हो, जो आपके मेंटली तौर पे आपको चीज़ सही मिलनी चाहिए। जगह तो मुख्तलिफ हैं, लाहौर की मुख्तलिफ जगहें हैं, हर जगह में कोई ना कोई चीज़ पड़ी तो हुई है जो कंप्यूटर के रेलिवेंट जिसके वो लेने आए हैं, लेकिन चीज़ क्वालिटी वाइज ओके होनी चाहिए और कोई मतलब फॉल्ट वगैरह इस तरह का बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ आप तसल्ली से जब चेक करके दे रहे हैं तो फिर उसमें आपकी भी सेटिस्फेक्शन होती है कि यार अगर यहाँ से हमारी एक दुकान से तसल्ली हो रही है तो फिर हम क्यों दूसरी जगह जाते हैं। तो वो फिर इसलिए जो है वो हम उसी को ये क्लाइंट से पूछते हैं कि भाई अगर आपको आपने हाल रोड से भी चीज़ें ली हैं, आपने इधर से भी ली हैं, हमारी गुलबर्ग में शॉप है ये फी सेंटर में, तो आपने हमसे भी चीज़ ली हैं, तो उन्होंने यही बताया है कि जो चीज़ का कैलिपर है ना यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पे वो दूसरी जगहों से बेहतर है, साफ़ है, एक तो चीज़ यहाँ से साफ़ मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है और मल्टीपल वैरायटी मिल जाती है। तो मैं तो यही कस्टमर के पॉइंट जो उन्होंने हमें फीडबैक दी है उससे यही है कि गुलबर्ग में फी सेंटर में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा ज़्यादा लूटा कहाँ जाता है, फी सेंटर में या हार रोड में? जी लूटने वाले की आप बात करें ऐसा नहीं है, कस्टमर आजकल के बहुत ज़हीन हैं, उन्हें सब पता होता है, लूटने वाली बात ये मुनासिब नहीं है। लेकिन ये है कि जो चीज़ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक रीज़न है, हर बंदा तो एक जैसा नहीं ना होता? नहीं हर बंदा बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, पर क्लाइंट भी तो हर एक जैसा नहीं होते ना, क्लाइंट भी तो फ़र्क होते हैं, वो भी वर्किंग करके आते हैं, उनको भी पता होता है कि यहाँ से इतने की चीज़ मिल रही है, यहाँ से इतने की मिल रही है, वो भी तो डिसाइड करके आगे फाइनल करते हैं ना। तो ये मैं आपको कहूँगा कि आपने ये लूटने वाली बात कही है, ये इस लिहाज से अच्छी नहीं है कि हम क्लाइंट को लूटने के लिए नहीं बैठे होते, उनकी मर्ज़ी शामिल होती है, उनको पहले हर चीज़ बताई जाती है, देन उसके बाद वो। सर मैंने आपके ऊपर बात नहीं लगाई, मैंने ये कहा कि हार रोड पे या फी सेंटर पे ज़्यादा चूना किस जगह पर लगता है? ये छूने वाली बात आप कह रहे हैं, चूना तो नहीं, वो भी भाई हैं हमारे, हाल रोड वाले भी भाई हैं, फी सेंटर भी हमारे भाई हैं। चूने वाली बात तो हर बंदे की अपनी ज़हनियत पे करता है, आप अगर आपका किसी ने मतलब गलती से कोई गलत मिसगाइड कर दिया है और आपको नुकसान हुआ है और पैसे ज़्यादा बताए हैं तो ये उस बंदे का कसूर है, ये उस जगह का कसूर नहीं है। आप कई भी जगह में बैठ के आपको और भी बंदे मिलेंगे उसी जगह में, वो इस तरह नहीं करते। अगर किसी बंदे ने इस तरह हरकत की है तो आप सबको ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसकी बेसिक आपको यही कहूँगा, जिससे भी आप चीज़ ले रहे हैं आपकी तसल्ली हो तब आप उससे लीजिए, अगर आपकी तसल्ली नहीं होती आप हरगिज़ ना लीजिए, आपके पैसे कीमती हैं तो इसलिए वजह से आप उसको फिर अपने हिसाब से फैसला कीजिए। अच्छा सर मुझे ये बताएं जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं जी वो आपके पास कौन कौन से हैं और किस रेंज के हैं? ग्राफिक कार्ड मुख्तलिफ रेंज में हैं, 2GB है, 4GB है, 6GB, 8GB, 16GB, तो ये हमारे पास पड़े हुए हैं, 16GB में NVIDIA के भी पड़े हुए हैं और AMD कंपनी है उसके भी पड़े हुए हैं। तो वो क्लाइंट की डिमांड पे होता है, उसको जो चाहिए होता है हम उसको वो फिर प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपका हैवी काम है तो फिर आप बड़ा कार्ड लगवाइए और अपने लगाने के बाद अपना काम भी टेस्ट कीजिए ताकि आपको पता लगे कि आपने जो कार्ड लगवाया वो आपके काम पे सही चल रहा है कि नहीं। ये चीज़ें वो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से मिल जाता है। अच्छा सर आप कहाँ से कंप्यूटर वगैरह खरीदते हैं? जी हम बेसिकली बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अपना कंटेनर लेवल के हमारा बेसिकली सामान आता है तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं और फिर पाकिस्तान में यहाँ पे लाके यूज्ड आइटम को यूज्ड ही सेल करते हैं। यहाँ पे हमारी जो मार्केट्स बनी हुई हैं ये ऑलमोस्ट सारे ही जो हैं वो इंपोर्ट, जो इनका अपना कारोबार है वो इंपोर्ट करते हैं और फिर सामान यहाँ पे मंगवाते हैं इस तरह। अच्छा सर हमने सुना आपने माशाल्लाह बहुत छोटी एज में ये कंप्यूटर का काम स्टार्ट कर दिया था। जी बिल्कुल, मैंने 17 साल की उम्र में ये काम स्टार्ट किया था,
तो अब माशाल्लाह से हम 27 के हो गए हैं, पर ये है कि अपना काम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक अच्छी मतलब टाइम पे स्टार्ट कर दें तो आपको इस एज में आके फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। आपका एक एक्सपीरियंस डेवलप होता है, आपके लिंक्स बिल्ड होते हैं, और उसके अलावा आपकी एक क्लाइंटेज रेशियो है वो एक अच्छी हो जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब जल्दी स्टार्ट कर देंगे तो आप काफ़ी चीज़ों से महरूम हो जाएंगे, पर हर चीज़ का अपना टाइम होता है, वो अपने टाइम पर अच्छी लगती है। तो मैं समझता हूँ कि सही है, हमने जिस भी एज में किए 17 इज़ ए गुड इनफ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, हफीज़ सेंटर पे काफ़ी दुकानें चल गई थी, उसके अंदर आपकी शॉप भी थी जी। तो उस वक्त कितना आपको नुकसान हुआ था और क्या फीलिंग थी आपकी? जी, जब हफीज़ सेंटर में ये सानिया हुआ था, जो शॉप्स वगैरह जल गई थी, उसमें हमारी दो शॉप्स थी जो कि जल गई थी, और जाहिर सी बात है हमारा सारा एसेट्स उसमें लगे हुए थे, और हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। जिस तरह मतलब एक छोटी एज में हमने इस काम को स्टार्ट किया, तो जो अर्निंग होती थी वो हम इसमें इन्वेस्ट कर देते थे। तो अब हम साल बाय साल उसमें इन्वेस्ट तो किए जा रहे थे, पर हमें नहीं पता था कि एक दिन ये भी आएगा कि इसको आग लग जाएगी। तो बहरहाल वो हमारा बहुत बुरा हमारा वो टाइम था जिसमें ये हमें देखना पड़ा कि हुकूमत के कोई भी इदारे इसको बचा नहीं सके, और बड़ा अफसोस हुआ कि जो इदारों के इतने बड़े बड़े नाम हैं वो बिल्कुल ऐसे काम कर रहे थे कि जैसे कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल होता है। जो आग बुझाने वाले होते हैं वही आग से डर रहे हों, तो फिर उसमें क्या हम बात कह सकते हैं। बाकी नुकसान की बात है तो हमारा काफ़ी ह्यूज नुकसान हुआ था, करोड़ों के करीब है उसकी फिगर, तो वो हम डिस्कस इतनी तो नहीं डिटेल करना चाहते, पर ये है कि उसमें हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था। हमारी दोनों शॉप्स तो जी वो जल गई थी, और बाकी हुकूमत की तरफ से तो कोई हम ये नहीं कह सकते कि कोई हमें रिलीफ मिला हो, वो बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं मिला हमें। और जो बातें सुनने में आई वो सिर्फ बातों की हद तक है, हम तक कोई रिलीफ की ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं सुनी। अच्छा सर, आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि देखें, आपके पैसे और आपका टाइम बहुत कीमती है। आप जो भी जब भी कोई चीज़ लेने आएँ तो उस पर ये चीज़ को ज़रूर देखा करें कि ये चीज़ आपके काम आ रही है या आपके किसी भी पर्पज़ में यूज़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं वो इस तरह काफ़ी महंगी चीज़ें बनवा के लेके ख़रीद के रख लेते हैं, और उनका काम जो होता है वो बिल्कुल बेसिक से होते हैं। तो कभी भी हम उसको ये मशवरा नहीं देंगे कि आप हमसे हज़ारों लाखों वाली मशीन ख़रीदें। अगर आपका काम है ही छोटा, तो अगर कोई छोटा पर्पज़ का काम है तो आप उसमें इतने पैसे क्यों लगा रहे हैं? तो वो भी आपको देखना चाहिए कि ये ऐसे फजूल में पैसे ज़्यादा ज़ाया नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर आपको बेस्ट कोई चीज़ अपनी डिवेलपिंग या गेमिंग या सर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, तो आप एक दफ़ा तशरीफ़ लाएँ, हमसे पूछें, तो हम ज़रूर आपको गाइड करेंगे। और जहाँ तक हो सका आपको फुल 100% आपकी मुतलका ज़रूरत के हिसाब से चीज़ बताएंगे, जिसमें आपको परेशानी ना आए, और बाकी आपको जो चीज़ दिखाएंगे वो इंशाल्लाह 100% होगी जो आपको देंगे जी। बहुत शुक्रिया।